Yeah, it is. The man behind the camera, I'll click your photo. She wanted only the earrings. I'll do that. You will do that. And then what will be the उसी को करना है discomfort you're feeling, you can easily solve it.
science for this scientific logo.
This book says that the way symbols influences our mind. And then we have something very new, it's called a wristwatch analysis. Wristwatch analysis. So, आपकी घड़ी से ये पता चलेगा कि आपका नेचर कैसा है, आपके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, बच्चा होगा नहीं होगा, ये सभी चीज़ें घड़ी से पता. ये भी मैं दुनिया का अकेला इंसान हूँ जिसने ये ढूंढ के निकाला. और अभी हमारे साधारण स्टूडेंट भी और सात लोग भी पहुँच के आ चुके हैं. मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज यहाँ से मिलेगा. एंड जितना मैं एक्सप्लोर कर रही थी यार, मैं आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि मुझे सही नॉलेज उठी है. पूरे घर में इसकी स्मेल और अरोमा चल रहा है. जैसे झगड़े हो गए, घर में झगड़ा हो गया, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई, फिर ये ना तो एनर्जी क्रिएट करने के लिए ना सही शेक कर दिया.
आपका लेट ट्रैवल
अक्सर होता है कि पैरों में जैसा हाँ कम्प्लीटली आपके बॉडी को रिलैक्स कर कर लेते प्रीति इधर सब
जी ने इतने प्यार से मुझे बुलाया है एंड आई डू हैव इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड यू नो पाल्मिस्ट्रीज और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अभी सिराज ने बताई है कि कहाँ कहाँ से यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स आए हुए हैं
और दे आर लाइक सुपर एक्सपीरियंस्ड 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड दिस इज़ ब्रिलियंट. आई मीन आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू सी क्या है. अभी तक मैं अंदर तक गई नहीं हूँ. सिराज हैज़ टू टेक मी इनसाइड. न्यूमरोलॉजिस्ट हैं एंड there are many astrologers coming in from all across the country. Jahan leading astrologers, kundli expert, jyotish hain, lal kitab experts hain, nadi shastra dekhne wale nadi experts hain, there are expert numerologist, handwriting analyst, logo analyst, there are excess bars dene bahut tarike ki holistic healing yahan diya ja raha hai jisme lama phira hai, pranic hai, cosmic healing, you know, tapping on to your dna. आप एक आदमी का डीएनए में टैप करके आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम रीड करके देन वी गिव हीलिंग्स यू नो. मुझे लगता नहीं आज के दिन में पूरा हो पाएगा. देयर आर टैरो कार्ड रीडर्स, एंजल कार्ड रीडर्स, देयर आर जेमस्टोन होलसेलर्स, रुद्रास, क्रिस्टल्स, यू नो देयर आर सो मेनी टू एक्सप्लोर. लाइक जब तक आज का दिन बहुत छोटा पड़ जाएगा. यस एक्चुअली लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सब कवर करते हैं. आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस. ये सच में होता है? Yeah, actually, we have been doing this from past more than 14 years now, and this is our 15th edition. Well, congratulations. And Hamaya, thank you so much. And we have exhibitors, as I said, exhibitors coming in from all across the country. We have visitors as well as coming in from all across the country. Hamaya, visitors aate hain, especially Mumbai ke Astro World visit karne ke liye, Gujarat se, Delhi se, Hyderabad se, Khambhat, everywhere, you know. Right from, to the extent, like we even had a visitors in 2018 from Jammu and Kashmir, just to visit the show. They travel for, yeah. Okay. So, ma'am, आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा कौन से expert पे, मतलब expert के साथ जाने के लिए आप ये excitement है? मुझे लग रहा है I'll go with Nari Shastra first because I've heard a lot about it. होता है शायद मैं पट्टियाँ देखते हैं and then आपकी पट्टी मिलती है तो that is also again your luck. लाल किताब I've heard a lot. मुझे वो भी करना है, अभी मुझे पता चला. Then न्यूमरोलॉजिस्ट मे बी, देन टैरो कार्ड रीडर. सी मुझे करना तो सब कुछ है बट वी आर शॉर्ट ऑन टाइम. लेट्स सी, थोड़ा थोड़ा सब करेंगे. सी विश्वास वाली बात है अगर, तो मैं अभी इनसे वही पूछी थी क्या ये होता है. सी इफ़ यू बिलीव इट वर्क्स, ये हमारी वाइब्स होती हैं. लेट्स सी, आई मीन अभी तो मुझे पता चलेगा कि इफ़ दे आर नॉट दे आर टेलिंग मी अबाउट माई पास्ट, जो मेरे साथ में हुआ है लाइफ में, और अगर वो मुझे बता सकते हैं तो मेरा बिलीव और बढ़ जाएगा. जैसे इन्होंने बताया, वी हैव पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट्स आल्सो हियर. यस यस, एंड रिनाउंड वंस. ये वाला मीडिया में मत लगाना अगर मैं करवाती हूँ तो. और जहाँ जैसे आपने बताया कि कितना विश्वास रखती हो, तो हमारे यहाँ एस्ट्रो वर्ल्ड में हमारा जो फुटफॉल है वो दो दिन में मोर देन 12,000-12,500 लोग आते हैं, विजिट करते हैं हमारे शो में. एंड ये विश्वास नहीं है, इट इज़ बिकॉज कि हमने एक इमेज ऐसी बनाई है जो लोगों का एक सोचने का तरीका था कि नहीं ये ब्लैक मैजिक और ये सब. नो नो नो, वी डोंट प्रमोट ब्लैक मैजिक. वी प्रमोट आर एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअल साइंसेज, ऑल्टरनेटिव साइंसेज इन अ बेटर वे. हमें एक इसका एक अलग तरीका, जो नज़रिया है लोगों के सामने लाना है. एंड दैट्स द रीज़न वाई वी आर ऑर्गेनाइजिंग एस्ट्रो वर्ल्ड एग्जीबिशन. बेसिकली हमें कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन, एक किसी की ज़िंदगी में हमारी तरफ से अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हम ला सकें किसी की ज़िंदगी में, तो बस हमारा मोटिव सॉल्व हो जाता है एस्ट्रो वर्ल्ड करने का. सो दैट इज़ द मेन कोर. इतना अगर हुआ है, पीपल आर स्टडिंग अ लॉट, दैट मींस कुछ तो होगा ही. एट द सेम टाइम ये जैसे कि एक लेमैन आता है, जैसे आप आए हो, अरे ये भी होता है, ये भी होता है, देर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग. तो इसके ही साथ में हमने कॉन्फ्रेंस रूम में एस्ट्रो एंड वेलनेस टॉक्स रखे हैं. देर दीज आर फ्री टॉक्स विच वी गिव एंड द एक्सपर्ट्स कम ओवर, दे स्पीक ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड हमारे जो ऑडियंस हैं, विजिटर्स जो अटेंड करते हैं, दे गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद दैम. और हमें जो कॉन्सेप्शंस होते हैं, हमारे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं बेसिकली, वो उसमें दूर होते हैं. और दे अंडरस्टैंड वॉट दिस साइंस इज ऑल अबाउट out and then they come over and take the healings and workshop with our experts. तो अगर इससे पहले बात की जाए, तो मतलब इससे पहले आपने ऐसा कुछ किया है अपने साथ टैरो कार्ड रीडर के साथ बैठकर करना? टैरो कार्ड नहीं किया है, बट आई हैव शोड माय कुंडली. और आई मीन दे इट वाज लाइक वेरी एक्साइटिंग एंड लाइक अभी तो मुझे लग रहा है कि शायद सबका एक अलग अलग नज़रिया होता है. और आई एम हियर टुडे जस्ट टू एक्सप्लोर द थिंग्स, कि अगर इतने दुनिया भर से एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस आई थिंक फेस रीडिंग करके कुछ और निकल सकते हैं. तो आई एम हियर फॉर फन बेसिकली टू एक्सप्लोर इट. अपार्ट फ्रॉम दिस, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट?
I'll update you soon. Nora, thank you so much. First of all, I really want to congratulate you for taking this great initiative. Because you know, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा कम knowledge है इन सब बारे में, but हम जैसे मुंबई जैसे शहरों में कहीं पर भी रह रहे हैं, not only मुंबई, बाहर जब भी रह रहे हैं, life में इतने fast है, इतना भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे, you know, बहुत सारी knowledge जो हमको पता नहीं है. So इस exhibition में आके इन्होंने मुझे इतना गाइड किया है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. आई गॉट टू नो सो मेनी थिंग्स, लाइक ऐसे भी हील हो सकता है, लाइक देयर इज़ अपने बहुत सारी चीज़ें जैसे स्टोन से हो गए, फिर लोग आपके फेस से, आपकी एनर्जी से आपको कैसे हील कर सकते हैं. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, एंड ऑफ द डे योर थॉट प्रोसेस, योर एनर्जी मैटर्स. एंड आई एम अ ट्रू बिलीवर, लाइक एनर्जीज में बहुत बिलीव करती हूँ, वाइब में बहुत बिलीव करती हूँ. सो बहुत अच्छा लगा, एक एक चीज़ एक्सप्लोर करके बहुत अच्छा लगा. सो व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट फॉर मी? I would suggest you to take cosmic healing. Cosmic healing. Cosmic healing, yeah, because that is something where they, cosmic healing is something, यहाँ आपके they are tapping into your DNA, आपके आकाशिक रिकॉर्ड रीड्स करके, then they check कहाँ blockages हैं actual. And जैसे बोलते हैं DNA tap करके, अगर हमें अंदर नहीं पता रहेगा प्रॉब्लम क्या है, तो हम ऊपरी लेयर पे सिर्फ हील करके कोई मतलब नहीं है. सो दे टैप इन टू योर DNA एंड देन दे ट्राई टू रिमूव द ब्लॉकेजेस एंड देन सो दैट यू फील बेटर. आपके चक्रास अलाइनमेंट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली बोलते हैं ना, इट्स एन अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी, माइंड, बॉडी एंड सोल. आपकी चक्रास अलाइन है, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है, आपका स्ट्रेस रिलीव ऑलरेडी हो जाता है. एवरीथिंग हैपन्स व्हेन यू आर अलाइंड बेसिकली. And universal consciousness is something which is there for everybody. हमें सिर्फ आना चाहिए कि हम किस तरीके से टैप करके अपना शेयर हम ले सकें, you know, it's for everybody. So see, I do, because there is lots of things जो आपने कभी explore नहीं किया. हम बोल देते हम ये नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं होता, आप ठीक रहो, but क्या हम सही में ठीक रह पाते हैं? क्या हम सही में वो strong रह पाते हैं? So you should know there is a science. This is not like a myth or mythology, this myth or nothing, this is science. There is a lots of process. So I think she will guide me proper and I'm definitely going to follow and I'm going to learn lots of things and I hopefully, like, universe is kind, God is kind. So yeah. मैं ऐसे तो अहंकार के साथ नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बस येस आई डू फॉलो. एंड घर में जैसे मेरी मम्मी है, शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल. एक्चुअली मेरी पॉजिटिविटी जो आती है, जो मेरी इंस्पिरेशंस आती है, दैट इज़ फ्रॉम माई मॉम. घर में उठ के पूजा करना, वो सारी चीज़ें फॉलो करना, वेन एवर आई एम डाउन और समथिंग, एक बार बैठ जाओ तो शी इज़ अ हीलर टू मी. सो ऑलवेज, या शी इज़ अ डिवोटी ऑल्सो, कृष्ण डिवोटी. सो शी ऑलवेज गाइड्स मी. येस, दैट्स वाई बचपन से मैं बहुत पूजा पाठ देखती आई हूँ, माता रानी की पूजा. सो आई बिलीव इन दिस थिंग एंड देयर इज़ सम वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जीज देयर. अगर आप उसमें बिलीव करते हो, अगर मानते हो, तो अगर कनेक्ट कर पाते हो, आई थिंक उससे बेहतर और कुछ नहीं है. एनर्जी इज एवरीथिंग. लेट्स कीप इट पॉजिटिव एंड कीप इट हेल्दी. Yeah, there is lots of coming. I just recently finished two of web series and I don't want to talk about it, and there's going to come for sure. And thank you loving me as Ishita Ganguly. And I hope main aap sabhi ko aise entertain karte paun. Lots of love, Ishita Ganguly. Thank you. फर्स्टली तो हम लोग नॉर्मली जब एग्जीबिशंस देखते हैं, तो हम लोग उसमें कपड़ों के, ज्वेलरी के, बैग्स, इन सब चीज़ों के देखते हैं. लेकिन ऐसे एस्ट्रोलॉजी वाला जो एग्जीबिशन है, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा. ऑनेस्टली बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं ऑलमोस्ट, मुझे आके एक डेढ़ घंटा हो चुका है, बट इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजिस्ट है यहाँ पर, पाम रीडर, फेस रीडर, तो हर जगह जाकर 15-15, 20-20 मिनट में टाइम कब निकल गया पता नहीं चला. और बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे यहाँ पर एक सिग्नेचर एनालिस्ट थे, तो हम लोग कभी कभी सिग्नेचर जो करते हैं वो सही होता है या नहीं, वो सारी चीज़ें देखने मिली. टैरो कार्ड रीडिंग से भी बहुत सारी चीज़ें पता चली. सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी. सो ये सब चीज़ों में आप कितना विश्वास रखते हैं?
मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, ऑब्वियसली तभी मैं यहाँ पर आई हूँ, अदरवाइज नहीं आती. बट यही है कि मतलब मैं वैसे अंधविश्वासी नहीं हूँ कि मैंने किसी ने मुझे बोल दिया अच्छा होगा और मैं आराम से घर पे बैठी हूँ, वैसी नहीं हूँ. सो कुछ कुछ चीज़ें बहुत सारी जगह पर मुझे भी कुछ चीज़ें बोला कि हमें ये इम्प्रूव करना चाहिए या जो जो चीज़ें इम्प्रूव हमारे से हो सकती है, तो उन सारी चीज़ों पर भी हमें फोकस करना होता है. बट बाकी ओवरऑल अभी तक तो किसी ने कुछ बुरा नहीं बोला, अच्छा ही बोला, सो आई एम हैप्पी. डेफिनेटली जैसे मैंने जैसे पहला ही सेशन लिया एक टैरो कार्ड रीडिंग का, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जो एक्चुअल में मेरी लाइफ में वैसी चीज़ें हो रही थी. सो उन्होंने भी कुछ मुझे टिप्स दिए, जैसे कुछ मंत्र पढ़ने के लिए या कुछ चैंटिंग टाइप मेडिटेशन, तो वो सारी चीज़ें हैं. एंड जो कि मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें करने से कोई कुछ नुकसान नहीं है, सो मैं डेफिनेटली ट्राई कर सकती हूँ. नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक हर सबसे पहली बार. तो लाइक आई न्यू एक्चुअली ये ऐसी साइंस है, दिस इज़ हम जो भी यहाँ चीज़ें प्रमोट करें, सुना आपने देखा होगा कि इट इज़ ऑल और इट्स ऑल रिलेटेड टू माइंड बॉडी एंड सोल. एंड ये आज नीड है हर. And after COVID times, people have gone through a very challenging situation. Exactly. And this is the need of the hour. And इसलिए हमने बिना कुछ सोचे समझे और quickly, जैसे ही COVID period थोड़ा सा settle हुआ, तो हमने quickly announce किया, because we have been receiving thousands of calls visitors के जो every year visit करते हैं, because they've gone through so much of stress, they want to go through these sessions, healing sessions, कहीं ना कहीं मिलना चाहते हैं astrology guidance. जैसे मैंने भी बहुत सारी चीजें first time मतलब मैंने देखी, जैसे कि एक थे वो voice and analyst थे, कि मतलब की आवाज़ से वो बता सकते हैं आपके बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में. सो कुछ कुछ ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी मुझे. एंड आप क्विकली रिलेट कर सकते हो जो चीज़ें बोल रही हो, जो आप करंट सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, कहीं ना कहीं क्विकली आप रिलेट कर सकते हो उसको. सो दिस इज़ दैट्स द रीज़न वाई हमने बहुत क्विकली कम समय में एंड कोविड टाइम्स में, दिस इज़ तीन बार हमारे शोज आगे बढ़ चुके थे, लाइक कैंसिल करने पड़े थे. एंड वी थॉट कि दिस टाइम लाइक इट्स नीड ऑफ द आर एंड पीपल नीड अस नाउ, रादर देन वी डूइंग द शो, नाउ पीपल नीड अस. एंड दैट्स द रीज़न वाई वी क्विकली प्लान दिस शो. आई ट्रूली एंजॉयड इट. और मैं इनफैक्ट अभी भी कुछ कुछ चीज़ें जगह मैं गई नहीं हूँ, तो मैंने अभी भी उसको बोला कि मैं जाऊँगी. और थैंक यू. तो एग्जीबिशन के आने के मतलब आने से पहले क्या आपने सोचा था कि हाँ इतने सारी चीज़ों से मतलब आपका वास्तव होगा, मतलब आपको जानने को मिलेगा, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? वही मैंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें थी जो फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ यहाँ पे. सो बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में जानने मिला मुझे, उसके बारे में पता चला. सो जैसे यहाँ पर स्टोन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी भी मुझे एक्सप्लोर करना है, पूरी तरीके से किया नहीं है. सो आई एम रियली एक्साइटेड. और ये सब किस मतलब किस लोगों को ये एक्सप्लोर करना चाहिए? जो बिलीव करते हैं उनको ये एक्सप्लोर करना चाहिए. आई फील क्योंकि जब तक आपके अंदर बिलीव नहीं होगा ये सब कुछ वेस्ट है. देखिए हम आप इट्स नॉट अबाउट बिलीविंग. आप अगर जब आते हो यहाँ, देखिए आप नॉन बिलीवर हैं तो आप यहाँ आइए, मैं कहूँगी. हमारे यहाँ एस्ट्रो एंड वेलनेस टॉक्स का एक प्लेटफॉर्म है, वो इसीलिए हमने रखा है. दीज आर फ्री टॉक्स. हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि यहाँ जो भी चीज़ें चल रही हैं ये सब चीज़ के फ्री टॉक्स हो रहे हैं. यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट साइंस, वॉट इज़ द साइंस बिहाइंड दैट थ्योरी, आकाशिक रिकॉर्ड हो या लामा फेरा हीलिंग हो या कॉस्मिक हीलिंग हो या जो भी अगर साइंस है, क्रिस्टल्स के बारे में डिस्प्ले किया है, तो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, हाउ वुड इट हेल्प यू. तो वो सब चीज़ों के हमारे आर्ली सेशंस होते हैं हमारे एस्ट्रो एंड वेलनेस टॉक्स में. ये फ्री रखा गया है विजिटर्स को कि आप बैठिए, क्वेश्चन पूछिए हमारे गेस्ट से और अपने मिथ्स को क्लियर कीजिए, एंड देन यू कैन एक्सप्लोर आउट द स्टॉल्स हियर. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर? नथिंग एज ऑफ नाउ. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Channel ID is Kalil.